तो स्वागत करते हैं आपका टेक्नो व्लॉगी में। मैं हूं ऋषभ पारिक और मैं लेके चलूंगा आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। तो चलिए चलते हैं। तो हमें पता चला है कि MI लॉन्च करने जा रहा है अपना Redmi Note 8 Pro फाइनली इंडिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि MI फेमस है कम पैसों में ज़्यादा स्पेक्स ज़्यादा अच्छे फ़ोन लेके आने के लिए, तो वही Redmi Note सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लेकर आ रहा है अपना Redmi Note 8 Pro। हालांकि इसकी लॉन्चिंग डेट कंफर्म नहीं हुई है। Redmi Note 8 Pro में MediaTek Helio G90 प्रोसेसर जो कि इंडिया के गेमिंग पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा, ऐसा कहना है MediaTek के MD अंकुश जैन का। ये तो तभी पता चलेगा जब ये फ़ोन इंडिया में आता है और हम लोग इससे पबजी या हार्डकोर गेमिंग और मल्टीटास्किंग करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये फ़ोन कैसा दिखता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसके डिज़ाइन कैसी है। इसकी स्क्रीन आपको मिलेगी 6.3 इंच की फुल HD प्लस जो कि होगी 3D कर्व्ड ग्लास स्क्रीन के साथ, और आपको बैक में मिलेगा डायमंड कट ग्रेड टेक्स्चर जो कि देखने में बहुत ही कूल लगेगा एकदम, मतलब किलर। तो अब बात करते हैं Redmi Note 8 Pro के कैमरा के बारे में। तो इसके पीछे के जो बैक कैमरा हैं वो आपको चार कैमरा मिलेंगे जो कि होंगे 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, और जो बाकी के दो कैमराज हैं वो होंगे 2 मेगापिक्सल के। हालांकि जो ये कॉन्सेप्ट है Realme XT Redmi से पहले लेकर आ चुका है, और इनका जो पिछला फ़ोन था Redmi का Redmi Note 8 उसमें इन्होंने 48 मेगापिक्सल दिया है, तो अब प्रो वर्जन में इन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया है जो कि अब 64 मेगापिक्सल है। तो इसी के फ्रंट में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और एक नई बात Redmi के बारे में कि Redmi ने अपने कैमरा में अब नया स्लो मोशन फीचर दिया है, तो देखते हैं कि Redmi का जो ये स्लो मोशन है वो कितना काम करता है। इस फोन में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी और ये फ़ोन फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 4500 mAh की बैटरी बहुत कम है Redmi के लिए, क्योंकि Redmi मतलब रेवोल्यूशनरी फ़ोन्स लेकर आता है। Redmi का जो Note सीरीज़ है इन्होंने लॉन्च किया था वो 2016 का बेस्ट फ़ोन था इस मिड रेंज में, उसके बाद एकदम मतलब रिवोल्यूशन सा आ गया था, और Asus Zenfone जैसे फोन्स ने 6000 mAh की बैटरी दी है। अब Samsung का जो M30s है उसमें भी 6000 mAh की बैटरी आ रही है, तो Redmi से ये एक्सपेक्टेड था कि भाई वो थोड़ा ज़्यादा बैटरी दे दे, कम से कम 5000 तो दे ही देते। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Helio G90 SoC वो क्या है, क्यों उसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही हैं, क्यों कहा जा रहा है कि वो हमारे पर्सपेक्टिव बदल देगा गेमिंग को लेके। तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप जो इसमें हार्डकोर गेमिंग है, मल्टीटास्किंग है, वो इजीली कर पाएँ, और जो MediaTek के जो Helio प्रोसेसर्स होते हैं वो इतने जो 10,000 से नीचे की रेंज में जो फ़ोन्स होते हैं ज़्यादातर ये उनमें पाए जाते हैं। लेकिन अब Redmi Note 8 Pro में उन्होंने अपना जो Helio G90 प्रोसेसर दिया है, देखते हैं वो क्या कमाल करता है। फाइनली हमारा ये सवाल है कि इतने बड़ी भर भर के स्पेक्स दे दिए, ये दे दिया वो दे दिया, और Redmi Note सीरीज़ है तो हमारी मतलब हमारी आशा है कि ये कम प्राइस में हो। तो देखते हैं, अभी तक इन्होंने कुछ कंफर्म किया नहीं है वैसे, तो देखते हैं इंडिया में किस प्राइस में लेके आएंगे। हालांकि जो चाइना में इन्होंने वेरिएंट लॉन्च किया है उसके हिसाब से 14,000 से 15,000 रुपये के बीच में होना चाहिए, लेकिन Redmi है पता नहीं ज़्यादा कर दे कम कर दे, वो तो ये तभी पता चलेगा जब ये फ़ोन इंडियन मार्केट्स में आते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब करते हैं पैकअप। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। बाबा LSS कर दो, बाबा फ्री है बिल्कुल, कर दो।